नमस्कार। हाल ही में पंजाब सरकार ने केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सभी पूर्व विधायकों की एक्स्ट्रा पेंशन काट दी गई और सभी विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगी। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के नेता चौधरी निर्मल सिंह जी ने उन्हीं कदमों पर चलते हुए एक ऐतिहासिक कदम खुद उठाया और उन्होंने अपने चार में से तीन पेंशन को छोड़ दिया। जब से उन्होंने ये कदम उठाया है, एक सवाल भाजपा के सभी नेताओं के आगे, सरकार के आगे और हम कहें कि सभी पूर्व विधायकों के आगे खड़ा हो गया है कि क्या वो ये कदम उठाएंगे। केजरीवाल जी का जो ये कदम उठाया गया उस पर तर्क हमेशा ये रहा है कि जो ये पैसा है, अगर हम इसे बचा सकें, हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों के लिए, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर, आम जनता के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये सवाल मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ अभद्र शब्दों में इस बात को जो है मैं कहूंगी कि इसकी पूरी गरिमा को एक तरह से नीचे कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी हाल ही में अपने बचपन के स्कूल में गए, उस स्कूल की जो तस्वीरें आई, दीवारें जर्जर हैं, कच्चे फर्श पड़े हैं, सब कुछ टूटा फूटा है। वहां जाने के बाद जब इस तरह का एक मौका, इस तरह की एक सलाह आए तो हम समझते हैं मनोहर लाल खट्टर जी को, भाजपा सरकार को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। हम उनके शब्दों को यही कहेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी हम भाजपा सरकार से यही मांग करते हैं कि जो केजरीवाल सरकार का मॉडल वो बाकी चीजों में अपना रहे हैं, इसमें कोई लकीर ना खींचते हुए एक जनता के लिए फैसला लें, एक जनता के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए फैसला लें और सभी जितने भी हमारे विधायक हैं वो एक्स्ट्रा पेंशन को छोड़ने की तरफ अपने कदम उठाएं। धन्यवाद।